स्वास्थ्य विभाग लाख दावा कर ले कि झोला छाप अस्पतालों को बंद करने का, लेकिन फर्जी झोला छाप डॉक्टर एक के बाद एक मरीजों की जान ले रहे हैं। उसके बावजूद भी इन डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसा ही मामला रामपुर की तहसील स्वार के सामने आया है। सीएम के पोर्टल पर शिकायत करने के 6 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग टीम नींद से जागी। आखिर क्या वजह है जो स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती है। रामपुर की तहसील स्वार में चल रहे 2 अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा, जिसमें अस्पताल से बड़ी मात्रा में दवाई और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। अस्पताल को सीज कर दिया गया है। इस छापामार कार्रवाई से फर्जी डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। दोनों अस्पताल के डॉक्टर मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर कब तक ऐसे झोला छाप डॉक्टर मासूम बच्चों और नौजवानों की जान लेते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग इन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई समय पर क्यों नहीं करता। आखिर कब तक दिखावा करता रहेगा, यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और लोग अपनी जान इलाज के नाम पर इनके हाथों गंवाते रहेंगे। उसमें ये मामला है, अखबार में आई थी न्यूज कल कोहिनूर अस्पताल की, वहाँ पता चला अखबार पढ़कर कि ऑपरेशन के द्वारा एक बच्चा, मतलब ऑपरेशन के द्वारा एक बच्चा हुआ था तो हाथों हाथ या मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे बाद एक्सपायर हो गया था। तब वहाँ गए तो वहाँ पता चला ना उसका रजिस्ट्रेशन था ना ही कोई कागजात थे। तो इन दोनों डॉक्टरों की कोई गिरफ्तारी हुई है, इसमें कोई एफआईआर हुई है? गिरफ्तारी वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो तुरंत फरार हो गए थे। वहाँ मरीज को भी शिफ्ट कर दिया था दूसरे अस्पताल में और खुद ही फरार हो गए थे। दोनों के खिलाफ कोई थाने में कोई एफआईआर कराई है? एफआईआर कराई दोनों के खिलाफ। कब से चल रहा था इनका ये धंधा? कब से ये कोहिनूर का तो संज्ञान मुझे कल ही आया जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं।